हाई गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंगेजमेंट के बारे में। टाइटल से आप देख ही पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंगेजमेंट के 10 दिन पहले करें ये 10 काम। जी हाँ, आज की इस वीडियो में कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ जिन लड़कियों की इंगेजमेंट होने वाली। इंगेजमेंट को कई जगह कई नामों से बुलाते हैं, कई जगह सगाई बोलते हैं, कई जगह रोका बोलते हैं, कई जगह इंगेजमेंट बोलते हैं, कई जगह रिंग सेरेमनी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से होती है, लेकिन एक ही चीज़ होती है जो कि रिंग सेरेमनी होती है, गोद भराई होती है, इसी को इंगेजमेंट कहते हैं। तो इंगेजमेंट जो सेरेमनी है, उससे पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें एग्जैक्ट 10 दिन पहले करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज़, आपने बहुत सारी चीज़ें चेक करी होंगी, बुक कर दिया होगा, लेकिन 10 दिन पहले एक बार आप अपने मेकअप आर्टिस्ट यानी MUA से, आपके हेयर स्टाइलिस्ट से और आपकी मेहंदी आर्टिस्ट से कंफर्मेशन ले लीजिए कि उनकी तरफ से ओके है। ऐसा तो नहीं है एंड टाइम पे कोई इशू आ जाए और वो कैंसिल कर दें। ये सारी चीज़ें एक बार 10 दिन पहले आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ ये कहूँगी, आपके घर में ये चीज़ पता कर लीजिएगा, इंगेजमेंट सेरेमनी के साथ गोद भराई हो रही है या नहीं हो रही है। ज़्यादातर घरों में इंगेजमेंट सेरेमनी से पहले गोद भराई होती है, दुल्हन की यानी टू बी जो ब्राइड होती है उसकी गोद भराई की जाती है। एंड गोद भराई के समय आप ये देखिए कि आप इंगेजमेंट और गोद भराई में दोनों में एक ही आउटफिट पहन रही है या दोनों में अलग अलग आउटफिट पहन रहे हैं। मतलब अगर एक ही आउटफिट पहन रहे तो कोई भी इशू नहीं है, अलग अलग आउटफिट पहन रही हैं तो आपको वो आउटफिट पहले से तैयार करा के रखना होगा, उससे आपका जो मेकअप होगा वो दोनों ही आउटफिट पर जाएगी। सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। एग्जैक्ट जो भी आपकी सगाई और इंगेजमेंट की डेट है, उसे 10 दिन पहले अपने दोनों ही आउटफिट ट्राई करके देख लीजिए, प्रॉपर फिटिंग वगैरह चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम काफ़ी पहले से रेडी करवा के चीज़ें रखते हैं, लेकिन 10 दिन पहले ट्रायल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लड़कियों के साथ शेयर कीजिएगा, टू बी ब्राइड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को दिल से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, देखिए इंगेजमेंट सेरेमनी की बाद जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो लड़के वालों को अलग गिफ्ट्स दिए जाते हैं। जो लड़की वाले यानी आप लोग लड़की वाले हैं, आपके भी खुद के गेस्ट आएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो अलग होंगे। लड़के वाले मतलब अलग हो गए, जिनके लड़के वाले और लड़के वालों के गेस्ट, लड़की वाले और लड़की वालों के गेस्ट अलग हो गए। तो यहाँ ये कहने का मतलब है, जो लड़के वालों को और लड़के वालों की साइड में आपको गिफ्ट्स देने, उनकी पैकिंग अलग तरीके से कीजिएगा, सो दैट आपको पता चल जाए। गिफ्ट अगर मिक्स हो जाता है ना आपस में, तो आपको पैकिंग से पता चल जाए ये लड़की वालों का गिफ्ट है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी लड़की वालों को गिफ्ट देनी है, जैसे कि बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बुआ फूफा होते हैं, दीदी जीजू होते हैं, ना जाने कितने सारे रिलेटिव्स होते हैं, सबको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो उन केस में क्या करना है, आपको लड़की वालों के गिफ्ट्स भी अलग तरह से पैक करने हैं, और साथ में लड़की वालों के गिफ्ट पैक करके स्लिप लगा दीजिए, ये बुआ फूफा जी का है, ये दीदी जीजू का, ये ताई ताऊ का है। इस तरह से आपको आइडिया रहेगा और एंड में हौच-पौच नहीं होगी, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। एक और चीज़ कहूँगी, देखिए इंगेजमेंट सेरेमनी जो होती है उसमें कई तरह से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले इंगेजमेंट सेरेमनी के अंदर क्या होता है कि जो दूल्हा होता है, टू बी ग्रूम होता है, उसका बरीक्षा होता है, या ये कह लीजिए शगुन की रस्म होती है, शगुन या बरीक्षा उसको कहते हैं, जिसमें लड़के वाले का लड़के का तिलक करते हैं और उसको कुछ तोहफा देते हैं। तोहफे में जैसे कि आप थाल में थोड़े से उसके 5, 7, 11, 21 ऐसे तरह के कपड़े दे सकते हैं, मिठाइयाँ, फल फ्रूट, मेवा, ये सब तो देंगे ही साथ में। इसके अलावा वॉच, कोई गोल्ड की चेन या रिंग वगैरह, जो भी आपका बजट कह रहा है, और परफ्यूम, शूज़, सॉक्स, ये सारी चीज़ें, बेल्ट, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। मतलब थाल पूरा रेडी होगा आपका बड़ा सा, उस थाल के अंदर ये सारी चीज़ें देनी है, पंडित जी आएंगे, पूजा वगैरह कराएंगी। तो कहने का मतलब ये है, जो लड़के का अगर बरीक्षा सेरेमनी हो रही है, शगुन की सेरेमनी हो रही है, तो वो सारे सामान को एक तरफ आप रख लीजिए, ताकि आपको सेरेमनी के समय ज़्यादा टाइम ना लगे, आप तुरंत से ये चीज़ें कर पाएँ। और जो भी बास्केट्स आप रेडी करवाएंगे, जो फल की होगी, मतलब फ्रूट्स की बास्केट, ड्राई फ्रूट्स की बास्केट अलग होगी, मिठाई की बास्केट्स अलग होंगी, तो वो आप ना कहीं से पहले से बात करके रखिए, फल वाले से और ड्राई फ्रूट्स वाले से, एक दो दिन पहले ही लीजिए, ताज़ी रहेंगे, क्योंकि वो पन्नी से पैक हो जाती है, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का भी आपको खास ख्याल रखना। तो भी ब्राइड्स को एक राय देना चाहूँगी, जब इंगेजमेंट सेरेमनी होती है यानी आपकी गोद भराई होती है, उस समय हर कोई आपका टीका लगाएगा। ये जब आपकी गोद भराई होती है तो
लड़के वाले गोद भराई की रस्म करते हैं, लड़के वाले दुल्हन के ऊपर कुछ भी चढ़ाते हैं, गोद भरते हैं उसकी कपड़े से, कुछ ज्वेलरी पर चढ़ाते हैं, नेकलेस या चेन इयररिंग या इयररिंग कुछ भी उनके हिसाब से वो चढ़ाते हैं, फल मेवा मिठाई फ्रूट ये सब कुछ जाते हैं, ये सब चीज़ें मिलती है। तो क्या होता है, जब भी जितने भी लोग आपको का मतलब ये सेरेमनी करते हैं, जो भी ये सेरेमनी होती है उस समय ना वो लोग टीका लगा देते हैं, और टीका 1, 2, 3, 4 करके 20-25 लोग लगा देते हैं। उससे होता क्या है, आपका ये जो फेस का ये एरिया है बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है, बहुत ज़्यादा मोटा सा टीका हो जाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता है। और जब आप आजकल देखेंगे ना, एकदम ऐसे टीके आ गए हैं जिनका कलर रह जाता है, तो जब आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लुक आता है। तो कोशिश कीजिए टीका नहीं लगवाइए, अगर किसी एक ने लगा दिया ठीक है, उसके बाद आप नहीं लगवाइए, इससे आप ही का लुक ख़राब होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स वीडियोग्राफी के लिए। इंगेजमेंट में जब 10 दिन बचे हो तो कायदे से आपको इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए डांस तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन कहने का मतलब इतना है कि इंगेजमेंट सेरेमनी से 10 दिन पहले आप आउटफिट ज्वेलरी और जो भी आपके सैंडल्स हैं यानी हील्स हैं वो सारा पहन के एक बार डांस करके देख लीजिएगा। 1-2 बार डांस करके देख लेंगे तो आप फ्रेंडली हो जाएंगे आउटफिट के साथ डांस करने में, आपको पता चल जाएगा कितना मूव करना है, कितना फास्ट गोल घूमना है, कितने फास्ट एक्शन लेने हैं, क्योंकि सारी ऊपर से नीचे तक चीज़ें आपकी हैवी होने वाली हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। गर्ल्स यहाँ पे एक और राय देना चाहूँगी, इंगेजमेंट से 2 दिन पहले आप ध्यान से अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लीजिए, फेशियल ब्लीच हेयर स्पा जो भी आपको करवाना है वो करवा लीजिए, थ्रेडिंग अपर लिप्स फोरहेड वैक्सिंग फुल बॉडी वैक्सिंग ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग करवा लीजिए, जो भी आपका बजट है जैसा भी आपका बजट है। साथ के साथ अगर आपको नेल आर्ट करवानी है तो आप इस तरह के नेल करवा सकते हैं, नेल आर्ट भी करवा सकते हैं, नेल एक्सटेंशंस भी करवा सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ। जी हाँ, मैंने करवा रखे हैं ये नेल एक्सटेंशंस और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में हुई है, मात्र 500 रुपये में दोनों हैंड्स के, और 1 वीक से ऊपर हो गया है, आसानी से मैं इसको मतलब यूज़ कर पाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह के नेल एक्सटेंशंस भी करवा लीजिए जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे। इंगेजमेंट के 10 दिन पहले आपको एक और चीज़ करनी है, वो ये है, देखिए इंगेजमेंट आपकी चाहे कितने भी बड़े होटल से हो, बैंकेट से हो, है ना, उस केस में क्या होता है, बड़ी शहरों में छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि कहना का मतलब ये है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एंड टाइम पे ना मिलेगी नहीं, तो आप घर से लेके जाइए। कुछ स्टील की प्लेट्स, कटोरी मतलब बाउल, चम्मच चमचे, ये सारी चीज़ें लेके जाइए, पूजा के समय ना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ट्रे वगैरह लेके जाइए, वहाँ पे जो भी है लेकिन आपके पास होना चाहिए, आपकी शगुन होगा, बरिक्षा होगा, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए आप आउटफिट्स रेंट कर रहे हैं तो यहाँ ये कहूँगी, जिस दिन आपकी इंगेजमेंट है उस दिन आप मत मंगवाइए, 1-2 दिन पहले मंगवा लीजिए। रेंट थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर चला जाएगा लेकिन एंड टाइम पे ना आपको टेंशन नहीं होगी, 1 दिन पहले ले लीजिए। जिस दिन भी आपकी इंगेजमेंट है उसके 1 दिन पहले आप अपना भी जो भी आउटफिट है, ज्वेलरी है, वो सारी मंगवा लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा, अगर फिटिंग नहीं है तो आप फिटिंग भी चेक कर सकते हैं। इंगेजमेंट वाले दिन के लिए जो भी आपके आउटफिट से मैच करता हुआ एक अपना हैंडबैग या क्लच या टोट बैग या जो भी आपको लग रहा है यूजेबल, पोटली या जो भी आपको कैरी करना है बैग्स में, उस तरह का बैग ले लीजिए जिसके अंदर आप सामान रख लीजिए। जैसे कि बिंदी रख लीजिए, कई बार बिंदी गिर जाती है तो लुक चेंज हो जाता है, बिंदी ज़रूर रखिए। लिपस्टिक रखिए, टिश्यू वगैरह रख लीजिए, फ़ोन का चार्जर रख लीजिए, फ़ोन भी आप रख सकते हैं, कुछ कैश वगैरह रख लीजिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये कहूँगी, कुछ जूड़ा पिंस रख लीजिए, हेयर पिंस और सेफ्टी पिंस ज़रूर रखिए। इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और किसी भी समय पड़ सकती है और आपके साथ साथ किसी और को भी पड़ सकती है, तो आपके बैग में होगा तो आपको भी सुविधा हो जाएगी और सबको भी सुविधा हो जाएगी। एक और राय देना चाहूँगी, अगर आप लहंगा ले रहे हैं या गाउन ले रहे हैं, कुछ भी आप अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी में पहन रहे हैं, ध्यान रखिए कि आप उस समय लहंगे या गाउन के नीचे लोअर या शॉर्ट जरूर पहने। अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है तब तो मस्ट 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 है, नहीं भी चल रही नॉर्मल है तब भी पहने। कई बार अंदर की मतलब लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है और कई बार क्या होता है हमारा क्लोथ जो है उतना ज़्यादा नहीं मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है, हो सकती है, हर एक में नहीं होती है, हो सकती है, और आप कंफर्टेबल रहेंगे अगर आप कुछ अंदर पहन लेंगे। यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगी, अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है या आपको लग रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाली है, तो देखिए आप सैनिटरी पैड्स को रिमूव कर दीजिए, मेंस्ट्रुअल
कप्स भी रिमूव कर दीजिए, आप यहाँ पे ले सकते हैं डिस्पोजेबल जो पैंटीज आती हैं वो ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, डबल एक्सल साइज में भी आ गई है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी कवरेज होती है, आप ओवरनाइट इसे यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोअर तो पहनेंगे ही लेकिन आप डबल इंटरनल क्लोथ यानी डबल पैंटीज पहनिए और पैंटीज के साथ वो डिस्पोजेबल पैंटीज भी ले लीजिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। और याद रखिए मेडिसिन खाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि क्या होता है आप इस स्टेज में हैं, आपको टेंशन घबराहट इतनी हो रही है, ऊपर से ये वाली प्रॉब्लम में ना फिर चक्कर भी आने लगते हैं, पेट में दर्द भी होने लगता है, तो मेडिसिन आप ले लीजिए या फिर अपने पास रखिए। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अपनी एक एक राय आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ ये कहूँगी इंगेजमेंट से पहले ये नेल एक्सटेंशन अगर आप कराना चाहते हैं तो ये मात्र 500 रुपये में होते हैं, और मैंने कहाँ से कराए ये सब मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में भी बता दूंगी, लेकिन ये आप ज़रूर करवाइए, कहीं से भी करवाइए लेकिन अच्छा रहेगा, मतलब काफ़ी अच्छा है, 2-3 महीने तक आपके आसानी से टिके रहते हैं, और नई नई दुल्हन जब बनते हैं ना तो यार इस तरह के नेल्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ ये कहूंगी आप रिंग पैलेट को भी डेकोरेट करवाइए जो कि एंगेजमेंट सेरेमनी का मस्ट है। तो बाय बाय, टेक केयर।